हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे हो। काफ़ी लॉन्ग टाइम बाद में जो ना मैं अपनी वॉइस रिकॉर्ड करूँ, ताकि कुछ दिनों के पहले मैं जो है थोड़ा बीमार था, इस वजह से नहीं कर पाया। और तो और एक वेकेशन भी हुआ था, जो कि मैं अभी आपको वीडियो जो सेंड कर रहा हूँ यही है वेकेशन का। सो ये गाइस देख लेना, जो घाट मिलता है उसी घाट का सीन है। माशाल्लाह खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। ठीक है, पहाड़ों के बीच में जो है ना ये झरना है पानी का, जो कि यहाँ से निकलते हुए ये जाता है सीधा नीचे के ओर, और दूध सागर भी इसी यहाँ से दिखता है, जो हाईवे है यहाँ पे घाट पे, शायद NH-17 कुछ ऐसा है। ओके गाइस, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ज़रूर, और कमेंट करना ज़रूर गाइस। ठीक है, तो इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, तो प्लीज़ कमेंट और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। ठीक है, ये अर्ली मॉर्निंग है, करीब हो गया था टाइम। मैं वहाँ से निकला एयरपोर्ट से करीब 4:45 को कुछ ऐसा निकला मॉर्निंग में, तो यहाँ तक आने तक हमको हो गया था 6:30 कुछ ऐसा हो गया था, 6:30-7:00। ओके, तो सोचा निकाल लूँ यहाँ पे घाट में एक वीडियो, जो माशाल्लाह अच्छा खूबसूरत। ये देखना पहाड़ी है सारा, जो दूध सागर बोलते हैं कर्नाटक में, ये जो है इधर ही है। ठीक है, माशाल्लाह इतना खूबसूरत दिख रहा है, इतना खूबसूरत दिख रहा है यहाँ से, बहुत खूबसूरत दिख रहा है। ठीक है, ये देखो वो जो ऊपर से जो वहाँ से जो पानी निकल रहा है वो नीचे की ओर यहाँ पे जाके नीचे चला जाता है। ठीक है, ये देखो काफ़ी दूर से है, जैसे जूम करके लिया तो वैसे क्लियर दिखा, क्योंकि आईफोन में ये एक फीचर अच्छा है। जैसे तुम जूम इन करोगे आईफोन 15 प्रो मैक्स 16 प्रो मैक्स अभी जो नया निकला है, इसमें जूम ब्लर नहीं होता। ठीक है, ये देखना दूध सागर, ये दूध सागर का है जो पहाड़ से निकल ऊपर से पानी, माशाल्लाह इतना खूबसूरत नज़ारा है उधर। तो किसी दिन इंशाल्लाह जब लॉन्ग टाइम के लिए वेकेशन जाएंगे तो फिर ज़रूर वहाँ पे जाऊँगा गाइस, तुम्हारे लिए एक अच्छा से अच्छा एक वीडियो बनाऊँगा वहाँ पे जाके। ठीक है,
हाईवे है गाइस, NH-70 कुछ ऐसा है। अभी तक हम लोग गोवा बॉर्डर में ही है, अभी हम निकल रहे हैं। ठीक है, ये देखना, ये पत्थर है जो काफ़ी साल से जो है ना ऐसे ही रास्ते पे, ये पहाड़ पे ऐसे ही खड़ा हुआ है, जो बहुत सालों से है ये। तो इसका ब्रेक पत्थर को पत्थर ही किया हुआ है थोड़े पे, ये देखने से डर लगता है, ये फिर भी सेफ्टी है। वहाँ पे कुछ उसको ब्रेक करके रखा हुआ है। अभी ये रोड का काम जो है ना चल ही रहा है काफ़ी सालों से, अभी बारिश के वजह से रुका हुआ है, फिर कंटिन्यू करेंगे हम लोग। रोड बांध रहे हैं तो काफ़ी बड़ा बांध रहे हैं अभी रोड। ठीक है गाइस, ये शायद उस टाइम पे हो सकता है ये पत्थर पत्थर सभी निकल जाएगा। ओके, सो वीडियो आखिरी तक देख लेना गाइस, ताकि आपको समझ में आ सके। ओके, सो फाइनली हम लोग वहाँ से भी निकल चुके हैं, करीब करीब अभी जो पहुँचने वाला ही है अपने गांव को। ठीक है, सो मिलते हैं अगली वीडियो पे। ओके, तो जब तक जो है ना इजाज़त देना मुझे। सो गाइस प्लीज़ कमेंट करना और वीडियो शेयर ज़रूर कर। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच।